वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है आप सभी को पता होगा दिल्ली का बजट काफी चर्चा में बना हुआ था। तो अभी जो है इसको इस बुधवार वाले दिन यानी कि अभी जो है 2 दिन पहले इस बजट को पेश कर दिया गया था। ठीक है, तो और आपको पता होगा कि दिल्ली का बजट पेश करने से पहले ही केंद्र की तरफ से यानी कि जो केंद्र गृह मंत्रालय है उन्होंने इस बजट को रोक दिया था। तो पूछा गया था, ये क्वेश्चन उठ रहा है कि केंद्र ने आखिर में क्यों रोका था दिल्ली का बजट। ठीक है, 3 मुद्दों पर यह बजट को रोक दिया गया था केंद्र मंत्रालय के द्वारा। वो 3 मुद्दे कौन से थे उनके ऊपर बात करेंगे। दिल्ली के इस बार के बजट में क्या खास है इसको जानेंगे। और आपको पता होगा दिल्ली का बजट इस बार जो है मनीष सिसोदिया ने नहीं पेश करा है क्योंकि वो इस समय जेल की हवा काट रहे हैं, आरोपी है इस समय, तो इसलिए वो नहीं बजट पेश करा है। तो किन्होंने बजट पेश करा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। किस सेक्टर में इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है बजट के अंदर उसको जानेंगे। ठीक है, और मेन पॉइंट कि क्यों रोका मोटा भाई ने बजट उसको भी जानेंगे। क्लियर, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली का बजट है क्योंकि भारत की राजधानी है दिल्ली, तो इसका बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बच्चा, टेलीग्राम पर इसको ज्वाइन हो जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर, तो देखिए दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में राज्य का नवा बजट पेश करा है। याद रखिएगा इस बार दिल्ली सरकार का ये नवा बजट था यानी कि केंद्र केजरीवाल सरकार का नोवा बजट था अपने पूरे सत्र का। ठीक है, गृह मंत्रालय ने मंगलवार के दिन जो है इस बजट को मंजूरी दे दी थी कि भैया आप अपना बजट पेश कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये जो बजट इस बार पेश करा गया है, ये जो आप देख रहे हैं भाई साहब, इनका नाम है कैलाश गहलोत, जो कि दिल्ली के वित्त मंत्री हैं। कौन है? दिल्ली के वित्त मंत्री है। इन्होंने पेश करा है क्योंकि जो यहाँ के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, वो इस समय कोई ऐसे मामले हैं जिनमें वो जेल की सजा काट रहे हैं, दारू वाले मामले में। ठीक है, तो वो तो इस बार बजट पेश नहीं कर पाए, लेकिन कैलाश गहलोत जो है, जब इन्होंने बजट पेश करा तो इन्होंने स्पीच में ये बोला था कि भैया भगवान राम बताया, मतलब इन्होंने मनीष सिसोदिया को भगवान राम बताया और कहा मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा मुझे खुशी होती। ठीक है ना, वनवास गए हुए हैं ये इन्होंने कहा। ठीक है, ये मुद्दा देखिए, वैसे तो ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि वनवास गए हुए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा कि इन्होंने बजट में बोला। अगर आपने दिल्ली बजट नहीं सुना हो तो सुन लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इन्होंने अपने बजट में बोला कि जो मनीष सिसोदिया है वो भगवान राम से उनकी तुलना करी, कहा मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, भगवान श्री राम जैसे वनवास गए थे इस समय वो भी वनवास काट रहे हैं ना, और उस इन्होंने कहा कि भगवान जैसे भरत ने सिंहासन पर उनकी खड़ुआ रखकर जो राज किया था ना, उसी तरीके से अभी इन्होंने भी उसी तरीके से कुछ बजट को ये पेश कर रहे हैं ना, मतलब इन्होंने उनकी तुलना जो है भगवान श्री राम से करी है ना। वैसे ही ठीक, अगले बजट में इन्होंने कहा कि जो अगला बजट होगा उसमें पक्का मनीष सिसोदिया है उस बजट को पेश करेंगे, ये इनकी तरफ से कहा गया था। ठीक है, और ये हैं मोटा भाई जिन्होंने बजट को रोक दिया था। ठीक है, 3 मुद्दे उठाए थे जो कि केजरीवाल से सवाल पूछे गए थे, केजरीवाल सरकार से, जिसका आंसर इनको नहीं मिला था, इसीलिए इस बजट को पेश करने पर रोक दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा कि आखिर में इस बजट में दिल्ली सरकार ने क्या खास रखा है और क्या नहीं रखा है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है ना बच्चा? अब ये यहां से थोड़ा ध्यान से रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आता है एजुकेशन सेक्टर, जिसको इन्होंने दिल्ली सरकार ने इस बार 16,000 करोड़ रुपए दिए हैं अपने एजुकेशन सेक्टर को। आपको पता होगा भारत के सभी राज्यों में से अगर कहीं पर एजुकेशन काफी अच्छी है तो वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन है दिल्ली के अंदर, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। ठीक, एजुकेशन सेक्टर के लिए बताया जा रहा है 16,575 करोड़ रुपए जो है दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार दिए जाएंगे। सरकारी स्कूल और टीचरों को नए टैबलेट की सरकार जो है मुहैया कराएगी। हर सरकारी स्कूलों को 20 नए कंप्यूटर दिए जाएंगे। स्कूल में जो बताया जा रहा है कि अब जो है स्कूलों में फ्रेंच से ले लेकर जर्मनी, जापानी और स्पेनिश जो भाषा है उसको भी पढ़ाया जाएगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दिल्ली सरकार के इस बजट में जो एजुकेशन पर ध्यान देने की बात हुई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर निकला है कि दिल्ली सरकार जो है अब अपने स्कूलों में फ्रेंच, जर्मनी और जापानी और स्पेनिश भाषा को भी पढ़ाएगी, ये कहा जा रहा है। क्लियर है? साथ में इन्होंने टीचरों पर और स्कूली सरकारी स्कूली और उन पर टीचरों पर नए टैबलेट देने की भी घोषणा करी है और कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों के 20 नए कंप्यूटर दिए जाएंगे ताकि बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान भी जो है दिया जा सके। क्लियर है? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बात करते हैं एजुकेशन
सेक्टर का बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपने बजट में बोला है कि 1600 इलेक्ट्रिक बसें भी जो है ये चलाने वाले हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। आपको पता होगा कि दिल्ली में जो है अभी इलेक्ट्रिक बसें जो है काफी मात्रा में बढ़ गई है, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये इनकी तरफ से कहा गया है। इस साल के अंत तक बताया जा रहा है कि 1600 इलेक्ट्रिक बसें जो है दिल्ली सरकार इस बजट के तहत जो है चलाने वाली है। 2025 तक का जो डाटा है वो सिटी ट्रांसपोर्ट में है और 10,000 से ज्यादा बसें होंगी, ये इन्होंने कहा है। इनमें से 80% बसें इलेक्ट्रिक होंगी, ये काफी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण बचता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। मौजूदा 57 बसें डिपो का भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, ये इनकी तरफ से कहा गया है। 3 ISBT, 2 मल्टी लेवल बसें डिपो और नए बस डिपो बनाए जाएंगे, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है, दिल्ली की सरकार की तरफ से। दिल्ली में 2180 इलेक्ट्रिक बसें यानी कि 2180 इलेक्ट्रिक मोहल्ले बसें चलाई जाएंगी, ये दूर दराज के इलाकों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने इलेक्ट्रिक बसों पर भी ध्यान दिया है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर सुरक्षित करना है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली का प्रदूषण सबसे ज्यादा हाई में रहता है, तो उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने जो बजट में अपना इसका बदलाव किया है, ये काफी अच्छा कर रखा है, क्लियर है, ये आपको याद रखना है बच्चा। 1600 जो है ये बसें चलाने वाले हैं। वहीं यहाँ पर जो है अब आम पब्लिक की बात करें तो 100 नए महिला मोहल्ले क्लिनिक खोले जाएंगे, ये भी बजट में कहा गया है। फ्री में होने वाले मेडिकल टेस्ट की संख्या जहां अभी तक 200 बताई जा रही है, वहीं इसे बढ़ाकर 450 कर दिया गया है। याद रखिएगा कि नई दिल्ली मोहल्लों में जो है, मतलब नई महिला मोहल्ले क्लिनिक जो खोली जाएगी सरकार की तरफ से, उसमें जहां पहले 200 फ्री टेस्ट हो जाते थे, मेडिकल टेस्ट हो जाते थे, उनकी संख्या 450 कर दी गई है। नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं जिनमें से 4 इस साल चालू हो जाएंगे, ये कहा गया है। हॉस्पिटल में बेड की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है, ये भी कहा गया है। बात करूं हेल्थ केयर में कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार, तो हेल्थ के लिए करीबन 9,742 करोड़ रुपए का बजट जो है इस बार दिल्ली सरकार ने अपने इस बजट में रखा है, क्लियर है। दूसरा, दिल्ली के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का, भी इन्होंने इसी बजट में बोल दिया कि 2 साल में साफ हो गए कूड़े के तीनों पहाड़, यानी तीनों पहाड़ का मतलब है 2 साल के भीतर भीतर दिल्ली के तीनों कूड़ों के पहाड़ जो है वो दिल्ली सरकार इस बार साफ कर देगी, ये कहा जा रहा है। दिसंबर 2023 तक ओखला वाला जो डंपिंग है, डंपिंग यार्ड जो है वहां पर वो पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा कूड़ा होता है वहां पर। मार्च 2024 तक अगले साल ही जो है भलसुआ वाला जो है भलसुआ वाला जो डंपिंगा है यार्ड है वो भी खत्म कर देगी। फिर दिसंबर तक, मार्च और उसके बाद दिसंबर तक जो है गाजीपुर वाला जो है, गाजीपुर वाले में जो कूड़ा का ढेर बना हुआ है वो भी सरकार माफ कर देगी, इसके लिए मतलब साफ कर देगी। इसके लिए जो है एमसीडी को 850 करोड़ रुपए का लोन जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उस मुद्दे को कहीं ना कहीं अपने बजट में रखा है जो दिल्ली के लिए एक मुसीबत बनके खड़ी हो रही है, ठीक है। और सबसे बड़ा ये कूड़ा, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूं तो मुझे काफी अच्छे से इसके बारे में पता है, क्लियर है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं अन्य वालों के बारे में, मतलब और इस बजट में क्या है, तो देखिए स्थानीय निकाय को 8,441 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी स्थानीय निकाय वालों को, ठीक है। इस साल 26 नए फ्लाईओवर बनेंगे, अंडरपास और ब्रिज बनाएंगे, इसके लिए 722 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1400 किलोमीटर लंबी सड़क की उसको सुंदर बनाया जाएगा, इस पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, ठीक है। यमुना साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, सभी कॉलोनियों के सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, इसके लिए 6 पॉइंट प्लान बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय जहां 14% बढ़ी है, वहीं 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 3 लाख जो है 91,000 थी, 2022-23 में यही बढ़कर 4,44,768 हो गई है। ये जो है बजट का कुछ अन्य पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए हैं, क्लियर है। कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा बजट में जो है उस चीज पर ध्यान दिया है जो कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत के खड़ी हो रही है, क्लियर है बच्चा। अब बात आती है कि सर जब इतना अच्छा बजट था तो सरकार ने इसे क्यों रोका, मोदी जी ने क्यों रोका, यानी कहे तो अमित शाह भैया जो है, मोटल्ले भैया, मोटू भैया, उन्होंने इन्हें क्यों रोका। तो देखिए इस पर जो है काफी विवाद चला था, है ना, आपने अगर स्पीच नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। बजट के जो रोका था तब केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र का इतना अहंकार ठीक नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए, जो सामने आप ये इमेज देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं बोलूंगा वो केवल आपको एक समझाने के थ्रू से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा मैं जो है इस गवर्नमेंट की साइड, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी जीते कोई भी कुछ हो, क्लियर है।
तो देखिए हुआ क्या था, सोमवार को सीएम मंत्री अरविंद केजरीवाल जो है इन्होंने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने पर आरोप लगाया था। इन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन सभी 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था, इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था, इसीलिए बजट को जो है केंद्र सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया था, रोक दिया था। ठीक है, अब वो 3 क्वेश्चन जो थे वो कुछ इस तरीके से थे जो आप ये देख रहे हैं। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को 3 ऑब्जेक्शन जो है ऑब्जेक्शन दिल्ली सरकार को भेजे थे। पहला, राजधानी जैसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए बजट का 20% हिस्सा क्यों रखा? सरकार कह रही है, मतलब केंद्र सरकार ने बोला कि भैया दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और उसका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए आपने 20% का हिस्सा क्यों रखा, इसका आंसर दिए, जो कि दिल्ली सरकार ने आंसर नहीं दिया था। फिर पूछते हैं, दिल्ली सरकार विज्ञापन का बजट दोगुना क्यों कर रही है? ठीक है, इस पर भी दिल्ली सरकार ने जो है नहीं दिया। फिर पूछा गया कि जो भैया भारत सरकार की आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजना है, इसका लाभ दिल्ली की गरीब जनता को क्यों नहीं जा रहा है, इस पर भी दिल्ली सरकार ने कोई आंसर नहीं दिया, इसीलिए इनका बजट जो है रोक दिया गया था दिल्ली के गृह मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे कि क्या थे ये 3 पॉइंट। क्लियर? तो इस पर कोई भी जो है आंसर केजरीवाल ने नहीं दिया था। क्लियर? तो ये पूरा बजट था दिल्ली का। आई होप आप इसे जाने होंगे, समझे होंगे, है ना? और आपको अगर लगा हो कुछ नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।